मिजिलस रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर मंगलवार को शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली को शहर के झंडा मैदान से गिरिडीह डीसी नवन प्रेस लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में कई स्कूलों के बच्चे और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने जागरूकता रैली के माध्यम से अपने अपने बच्चों को मिजिलस और रूबेला का टीका लगवाने की अपील की गई। इस बाबत गिरिडीह डीसी नवन प्रेस लकड़ा ने बताया कि मिजिलस और रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिला शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मिलकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस टीकाकरण की शुरुआत कल यानी 12 अप्रैल से कार्मल स्कूल से शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा जिले भर के तमाम स्कूलों में विशेष रूप से 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को मिजिलस और रूबेला का टीकाकरण दिलवाया जाएगा। डीसी श्री लकड़ा ने बताया कि गिरिडीह जिला में मिजिलस और रूबेला का असर काफी अधिक है, इसलिए जिला प्रशासन टीकाकरण अभियान को बृहद पैमाने पर करने और जिले से मिजिलस और रूबेला की बीमारी को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। कल से 1 माह तक लगातार यह टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि करीब 9 लाख बच्चों को टीकाकरण करवाना है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 30,000 बच्चों को टीकाकरण दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके अलावा हर दिन टीकाकरण अभियान का रिपोर्ट लिया जाएगा। इस जागरूकता अभियान में डीडीसी शशि भूषण मेहरा, एसी विल्सन भेगरा, बीडीओ दिलीप महतो, डीएसओ गौतम कुमार भगत, सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के अलावा शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, स्कॉलर बीएड कॉलेज, बीएनएसडीएवी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, मकतपुर हाई स्कूल, सर जेसी बोस कन्या विद्यालय सहित विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल व अन्य शिक्षक छात्र छात्राएं के साथ मौजूद थे। जो एक आंकड़ा है वो लगभग 7 लाख का है, वो कुछ हाँ ये 9 लाख का दिया गया है। हम लोग ने अपना कुछ असेसमेंट किया है कि कितने लोग इसमें एलिजिबल है या यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम लोग को 30,000 टीकाकरण कर रहे हैं प्रतिदिन। हम लोग डेली इसका इवनिंग ब्रीफिंग भी करेंगे आप लोगों के माध्यम से। हम लोग चाहते हैं कि लोगों में एक जन जागरूकता जाए, किसी भी टीकाकरण के बाद में AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन संबंधी भी इश्यूज रहते हैं, लेकिन जैसे कि प्रचार चूँकि पूर्व में मैंने बताया कि गिरिडीह अनफॉर्चुनेटली बाकी जिलों और राज्यों की तुलना में MR मिजिलस रूबेला में ज़्यादा ग्रसित रहा है और ये एक जानलेवा बीमारी भी है। हम लोग इसमें आशा करते हैं कि हम लोगों का सही प्रकार टीकाकरण हो जाए, हमारा बढ़िया कवरेज हो जाए, तो हम लोग इस पे बढ़िया से हम लोग निपटने में सक्षम रह सकते हैं। तो आज इसी के तहत में आज हम लोग यहाँ पे झंडा मैदान गिरिडीह में इसको किक ऑफ करने के लिए यहाँ पर प्रभात फेरी का आयोजन करें, जिसमें विभिन्न स्कूल्स आज इन्वॉल्व हैं और हमारे पूरे ज़िले के कई विद्यालय में अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिविटी कर रहे हैं। और कल कार्मल स्कूल में हम लोग कार्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोग 9 बजे इसका विधिवत टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से आमजनों को, तमाम जनता को हम लोग अपील करते हैं। पिछले 55 वर्षों से गिरिडीह को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में आपका हृदय से स्वागत है। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर गिरिडीह में पहली बार चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगाया हुआ वर्ल्ड क्लास की फैंसी लाइट के शोरूम में आपके मन को लुभाने वाले बेहतरीन प्रीमियम लाइट आपके घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देगा। वहीं पूर्वी भारत के सबसे भव्य शोरूम में हेवेल्स और लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर, आयरन, टोस्टर, डोसा तवा, ओवन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का हेवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के इलेक्ट्रिकल उत्पाद उपलब्ध है। तो आप हमारे शोरूम में आइए और अपने मनपसंद कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पाद ले जाइए। पता: प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स और प्रदीप सेल्स, मकतपुर, गिरिडीह।